दोस्तों हम लोग ना बहुत सारे किचन में जाते हैं और वहाँ का खाना टेस्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है, मगर कुछ किचन ऐसी होती है ना जो बिल्कुल ही सेवा भाव से चलाई जाती हैं और उसमें ऐसे लोगों को खाना खिलाया जाता है जो ज़रूरतमंद हैं। तो आज हम आए हैं दोस्तों पटियाला में श्री वर्धमान जनहित रसोई में, जहाँ पे दोस्तों ज़रूरतमंद लोगों को 10 रुपये में खाना खिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में पेट भर के खाना आप आइए और यहाँ पे खा सकते हैं। तो चलिए अंदर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से किचन में पूरा ऑटोमेटिक मशीनों के थ्रू खाना बनाया जाता है और कौन कौन सी आइटम यहाँ पर बनाई जाती हैं और कैसे लोगों को सर्व किया जाता है। चलिए आइए किचन में चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वर्धमान रसोई, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें बनती हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग लगे हुए हैं काम करने। तो चलिए एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से यहाँ पे सब्जियाँ, रोटी और लोगों के लिए जो खाना है वो पूरा तैयार किया जाता है। दोस्तों ये है पूरे प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे ये सारे वेजिटेबल धोई जाती है भैया। हाँ सर, सब वेजिटेबल धोई जाती है। अच्छा, पालक हो गया, पेठा हो गया, टमाटर हो गया, सब धोया जाता है, जितना केमिकल होता है सब साफ हो जाता है। ये देखिए पूरा प्रोसेस, यहाँ पे किस तरीके से पानी जो है ना वो नीचे से प्रेशर मार रहा है और ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी साफ़ हो जाएंगी। तो कितने देर तक धोते हैं ये सर? 15-20 मिनट तक धोते हैं। 15-20 मिनट तक इसको पूरा धोते हैं? क्या बात है दोस्तों, 15-20 मिनट के लिए धोते हैं तो अच्छे तरीके से। ऑब्वियसली बात है, जो केमिकल्स होते हैं ना जो ऊपर से डाले जाते हैं वेजिटेबल्स के अंदर, वो सारे वॉश हो जाती हैं। वॉशिंग होने के बाद सर, इधर जो पोटैटो होता है सब धोया जाता है, छिलने के बाद इधर से निकलता है। 30 किलो पोटैटो डालते हैं, 30 किलो पोटैटो 10 मिनट में साफ। ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे ये जो मशीन है उसको रोल कर रही है पोटैटो को, आलू को, और उसके जो छिलके हैं वो सारे उतर जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पे दोस्तों देखिए बनाई जा रही है, आटा गूंथा जा रहा है बेसिकली, यहाँ पे डाला गया मशीन के अंदर आटा और पानी मिक्स किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी मशीन ऑन हो चुकी है और अभी यहाँ पे आटा गूंथा जा रहा है। तो ये कितना टाइम में गूंथ देती है आटा? 5 मिनट। बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों, मतलब क्योंकि ये ना एक मशीन के थ्रू इसको करा जा रहा है ना, तो ये जल्दी भी होता है और ह्यूमन टच नहीं है इसके अंदर, आराम से फटाफट से हो जाता है और काफ़ी क्वांटिटी में हो जाता है। ये देखिए अभी से ही जो आटा है ना कि शेप लेने लग गया है अपना गूंथा हुआ ना, ये देखो। ये देखिए दोस्तों, हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अभी इस पर थोड़ा सा डाला जा रहा है दोस्तों सरसों का तेल, तेल डाला जा रहा है ताकि जो आटा है वो बिल्कुल चिपके नहीं मशीन में, अलग हो जाए बिल्कुल ही। रेडी हो चुका है, अब इसको निकाले जा रहा है बर्तन में और इसको लोइयां बना के ना इसकी अब यहाँ पे रोटी बनाई जाएगी। तो ये देखिए मशीन से निकाला जा रहा है सारा आटा और इसको दोस्तों हार्डली ना 2 से 3 मिनट ही लगे, मेरे सामने ही बिल्कुल तैयार हुआ। 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा इतना सारा आटा जो है वो गूंथ के तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे लोइयाँ बन रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया लोइयाँ बना रहे हैं उसकी। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे लोइयाँ बनाई जाएंगी इसकी छोटी छोटी, ये डाली जा रही हैं लोइयाँ जो हैं इसकी मशीन के अंदर। और सामने से उसके ठीक गोल गोल बिल्कुल ही राउंड शेप की जो हमारी रोटियाँ हैं वो बन के बाहर आ रही हैं और सिकती भी जा रही हैं दोस्तों। साथ ही साथ ये जो बेल्ट है ना ये बिल्कुल गर्म है, हमारी रोटियों को अच्छे से सेक रही है और ये जब इसके अंदर जाती है, यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, यहाँ से तो नीचे की तरफ हमारा बर्नर है जिसमें रोटियाँ जो हैं वो अच्छे से फूल जाती हैं, फूली फूली सी रोटियाँ यहाँ ना बिल्कुल निकल रही हैं और यहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर टोकरी में डाली जाती है और यहाँ पर इसको घी लगाया जाता है ना, देसी घी लगाया जाता है और इसको यहाँ पर स्टोर करके रखा जा रहा है ताकि जब लोग आएँ तो उनको गर्मा गर्म यहाँ पर सर्व करा जाए। क्या बात है दोस्तों, ये देखिए सारी की सारी ट्रे लगी है, इन पर राइस रखी हुई है। तो भैया कितना टाइम लगता है राइस को बनने में? सर 1 घंटा लगता है सर। 1 घंटा? 1 घंटे में 24 किलो राइस तैयार। कितने किलो? 24 किलो। 24। क्या बात है, 24 किलो दोस्तों एक साथ तैयार होता है और 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाता है। तो इस बड़े से मशीन में दोस्तों बनाई जा रही है काफ़ी ह्यूज क्वान्टिटी में सब्ज़ी। आज जो सब्ज़ी बन रही है वो है आलू और न्यूट्री, और रोज़ यहाँ पर ना अलग अलग सब्ज़ियाँ बनती हैं ताकि अलग अलग टेस्ट हर रोज़ मिले। ये सर हरी मूंगी की दाल है, इसमें हम 30 किलो दाल बनाते हैं। अच्छा, 1500 बंदे का खाना बन जाता है। क्या बात है, 30 किलो एक साथ? एक साथ ना इसमें लहसुन डालता है सर, ना प्याज डालता है, सिर्फ टमाटर। टमाटर ओनली? टमाटर। और पूरे खाने में किसी में भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं? नहीं डालते सर। यहाँ से 1200-1300 थाली निकल जाती है। 1200-1300 थालियाँ डेली निकल जाती हैं और आप इसी तरीके से पूरे सब लोगों को खाना खिलाते हैं? हाँ सर। क्या बात है, ये देखिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ सर्व कर रहे हैं, काउंटर पर खाना लग रहा है
और यहाँ से ना यहाँ पे टोकन देते हैं और बगल वाली खिड़की से यहाँ से ये डिलीवर करते हैं। देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ पे आके पूरा खाना लेके जा रहे हैं। यह जी शुरुआत है ना जी, सौरभ जैन जी MD वर्धमान हॉस्पिटल पटियाला, काफ़ी मशहूर हॉस्पिटल है, तो उन्होंने वो MD है। ये हाँ जी, ये 25 अप्रैल में असी इसकी शुरुआत की थी सारे ग्रुप ने मिलकर। बिल्कुल, सेवा भावना नाल इसकी आपने शुरुआत की थी, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स ने जो इतने स्टूडेंट्स तो अलावा काफ़ी लोग बेरोजगार भी है इस टाइम कोरोना के महामारी के समय के सू महसूस होया भी इदा का कोई हब होना चाहिए जिथे सिर्फ घट बजट के खाना अच्छा खाना खाया जा सकता। बिल्कुल, लोग कुलचे खाते हैं उसके ते डस्ट पैंदी है, गड्डिया की डस्ट पैंदी है, ठीक है ना, फ्रूट्स के उत्ते भी डस्ट पैंदी है, फ्रूट नूं चलो आप धो के खा लें। बिल्कुल, पर चाहे तुम साढ़े इंडियन लोगों का एक सिस्टम है, चाहे आप जो मर्जी खा लीए, जदों तक असं रोटी नहीं ना खाते, भोजन नहीं खाते, उदों तक असं पेट नहीं भर पाते हैं। बिल्कुल, फिर इनू सोचते हुए प्लैन किया श्री सौरभ जैन जी ने। सौरभ जैन जी बोले भी आपां एक अपना रसोई शुरू कर दी है जिद कि अच्छा खाना लोगों लिए घट कीमत उत्ते प्रोवाइड किया ये प्रोवाइड करन दा फ्री भी किया जा सकता सीगा, पर फिर भी इस करके नहीं कर सके क्योंकि लोग उसकी अहमियत समझ सिर्फ 10 रुपए की अहमियत समझ कि मैं 10 रुपए खाना खाने चलें। बिल्कुल बिल्कुल, इस करके शुरुआत की। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर क्या टाइमिंग है यहाँ की खाना सर्व करने? इतने सर 12 बजे तो लैके 3 बजे तक की टाइमिंग है जी। अच्छा, तो 12 बजे तो लैके 3 बजे तक जो भी आएगा, चाहे 1000 बंदा आए, चाहे 1500 आए, चाहे 2000, बेसिक डेली की जो एवरेज हैगी 1200 से 1500 तक। 1200 से 1500 लोग आके यहाँ पे पेट भर के खाना खा रहे हैं। हाँ जी सर। अच्छा, और यहाँ पे मैंने सुना है कि आप शादी वगैरह भी जैसे 500 रुपये में शादियाँ? जी हाँ, असी किसी भी धर्म न रिलेटेड एक सिख धर्म छड़ के उन्होंने जो आनंद कार्ज है गुरुद्वारा गुरुद्वारा साहब के करवाने, बाकी चाहे इंडिया का कितों भी हो, कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक। अच्छा, कोई भी आए असं शादी करवाने 500 रुपये। 500 रुपये भी उन्होंने असं शगन के रूप दे दें, तो उहदे विच चाह पानी जो भी खाना है खाना प्रोवाइड करते हैं, तो पंडित मौलवी इत तक कि जो असं वीडियो बनाने साडा कैमरामैन हायर किया हो। अच्छा, उन्होंने असं प्रोवाइड कर, तो सारा कुछ आप प्रोवाइड कर साडा अपना, सिर्फ लोड़वंद तो गरीब परिवारों में। हाँ हाँ बिल्कुल, जो जरूरतमंद है उन्हीं के लिए। तो मैम एक टोकन हमें भी दीजिए। क्या आ गया दोस्तों टोकन हमारे पास, चलिए अंदर चलते हैं और खाना लेते हैं। आइए, यह आ गई दोस्तों हमारी थाली। आइए देखते हैं थाली में क्या क्या है और कैसा है इसका स्वाद। आइए ये देखिए, यहाँ पे दोस्तों मिलती हैं हमें ये 4 चपाती जो कि गर्मा गर्म बनाई जा रही थी अंदर, मैंने आपको दिखाया भी बनते हुए। ये है दोस्तों दाल जो कि हरे मूंग की दाल है, साथ ही साथ यहाँ पे दिए जाते हैं चावल, सब्ज़ी, आज जो सब्ज़ी बनी है वो आलू न्यूट्री है, और साथ ही साथ चटनी, और इसी के साथ मीठे में यहाँ पर गुड़ सर्व किया जाता है। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं 10 रुपये में। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं ना दोस्तों, उसको ये खाना ना बहुत ही पसंद आने वाला है, और सबको ही पसंद आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ पेट भरने के लिए है ना। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरीके का इसका स्वाद है। सबसे पहले मैं लूँगा रोटी, रोटी के साथ दोस्तों हल्के सी दाल ट्राई करते हैं। ये देखिए दाल दिखाता हूँ मैं आपको, किस तरीके की दाल है, बिल्कुल गाढ़ी और बढ़िया बनी हुई, देख रहे हो। आइए, जैसो बिल्कुल जो दाल हमारी होती है ना, मेरे को ना बिल्कुल बाइट लेते ना घर की याद आ गई, जैसे घर में दाल बनती है ना हमारी बढ़िया तरीके से, उसी तरीके की दाल बनी हुई है, बिल्कुल गाढ़ी और स्वाद में भी लाजवाब। अब ट्राई करते हैं दोस्तों इनकी सब्ज़ी, और सब्ज़ी का स्वाद देखते हैं कैसा है। ये देखिए सब्ज़ी, ये आलू के चंग पीसेस डाले हुए बड़े बड़े, ये देखिए, और साथ ही साथ इसमें न्यूट्री, आज न्यूट्री बनी थी तो इसको देखते हैं। एक चीज़ दोस्तों मैंने ये नोटिस किया ना, ये खाने मैंने खाया ना, अभी जो मैंने सब्ज़ी भी ली तो बिल्कुल प्रॉपर सब्ज़ी बनाई हुई है, मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। हर आदमी यहाँ पे आकर आराम से खा सकता है, बड़े भी खा सकते हैं, बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं, और बच्चे भी खा सकते हैं, तो बढ़िया स्वाद है इसका। अब ट्राई कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी हमारी दाल और चावल। ये देखिए चावल सर्व किए गए हैं साथ में, इसको मिक्स करते हैं और इसका बाइट लेते हैं।
और इस खाने की खासियत क्या है दोस्तों, क्योंकि ये ना पूरी जैन थाली है। जैन थाली में क्या होता है, बेसिकली लहसुन और प्याज यूज़ नहीं होता, तो सात्विक खाना जिसको कहते हैं ना, उस तरह का खाना है, मगर स्वाद में बिल्कुल भरपूर। मैंने ये सब्ज़ियाँ खाई ना और दाल खाई, मेरे को बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हम डेली खाना खाते रहते हैं ना अलग अलग जगह पे, तो बिल्कुल वैसा ही स्वाद मिला है मुझे। ऐसा नहीं कि कोई कम चीज़ मिली या कुछ ऐसा है। 10 रुपये भले ही ले रहे हैं आपसे, मगर उसमें जो स्वाद दे रहे हैं ना, वो बहुत ही हाई लेवल का दे रहे हैं दोस्तों। मज़ेदार। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद के पास पहुँचे जो भर पेट खाना खाना चाहते हैं मात्र 10 रुपये में। यहाँ दोस्तों ऐसा इनिशिएटिव ना हर किसी को लेना चाहिए, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि ये ना लोगों की नीड्स को पूरा कर रही है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर ही दीजिए, और आपसे दोबारा मिलता हूँ किसी और अच्छी जगह पे। नए खाने की तलाश में हम घूमते रहते हैं, तो दूसरी जगह चलते हैं और देखते हैं क्या आपके लिए स्वादिष्ट ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।